देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। जेलेंस्की का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को नहीं चाहिए नाटो की सदस्यता, डोनेट्स्क और लुगांस्क पर भी बातचीत के लिए तैयार। यूक्रेन पर हमले का 14वां दिन, बाइडेन बोले पुतिन कभी भी यूक्रेन नहीं जीत पाएंगे, रूस आज करेगा तीसरा सीज फायर। अमेरिका ने रूस पर कसा शिकंजा, तेल गैस आयात पर लगाया प्रतिबंध, अब ईरान के साथ कर सकता है क्रूड का व्यापार, दुनिया पर होगा असर। भारत ने 2 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट से रोक हटाई, 27 मार्च से फिर शुरू होगी उड़ाने। यूक्रेन रूस जंग से बढ़ रही महंगाई, गेहूं से लेकर खाने का तेल तक हो रहा महंगा, 25 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। संजय राउत का केंद्र पर निशाना, कहा ईडी के अधिकारी महाराष्ट्र में चला रहे वसूली का सिंडिकेट, किरीट सोम्या पर भी लगाया घोटाले का आरोप। शेयर बाजार में भारी तेजी, सेंसेक्स 400 पॉइंट्स बढ़कर 53,829 पर, टेक और फार्मा के स्टॉक्स तेजी में। आईपीएल 2022, दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका, चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं एनरिक नोत्रिया। नतीजों से पहले अखिलेश का बड़ा आरोप, कहा ईवीएम को इधर उधर किया जा रहा, काउंटिंग सेंटर्स की किलेबंदी करे युवा, ढोल लेकर आजादी के अफसाने गाए। बनारस में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ईवीएम मिलने पर बवाल, सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम को घेरा, 15 थानों की फोर्स बुलाई। एग्जिट पोल होंगे एग्जिट, सपा बनाएगी सरकार, सहारनपुर में धर्म सिंह बोले 10 मार्च को सपा गठबंधन होगा 300 पार, नकुड़ में भाजपा सपा की थी कांटे की टक्कर। आज बजट का दिन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12:30 बजे खोलेंगे बजट का पिटारा, पुरानी पेंशन पर घोषणा की उम्मीद। हरियाणा में अब सिर्फ 1015 एक्टिव कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में 157 नए संक्रमित मरीज मिले, 2 की मौत हुई, रिकवरी रेट 98.82% पहुंचा। मध्य प्रदेश बजट, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कुछ देर बाद खोलेंगे पिटारा, बोले इस बार जनता की उम्मीदों के अनुरूप बजट। मतगणना स्थल पर नहीं ला सकेंगे स्मार्ट वॉच, 192 राउंड की गिनती में आएंगी गाजियाबाद की 5 सीटों के नतीजे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मथुरा में मतगणना की तैयारी पूरी, काउंटिंग की शुरू हुई उल्टी गिनती, 5 विधानसभा सीटों पर होगा 55 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला। मुजफ्फरनगर में ईवीएम की पहरेदारी, तंबू डालकर दूरबीन से कर रहे निगरानी, धारा 144 लागू, काउंटिंग वाले दिन भारी लोगों पर होगा अंकुश। प्रयागराज में 278 टीचर्स का वेतन रोका, चुनावी ड्यूटी से गायब रहने वालों पर बीएसए की बड़ी कार्रवाई, 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा, होगी एफआईआर। चंदौली में वीवीपैट की पर्ची मिलने पर हंगामा, अमादपुर बूथ का मामला, बसपा प्रत्याशी अमित यादव धरने पर बैठे, सपा कार्यकर्ताओं ने भी किया हंगामा। सुल्तानपुर में 10 साल में खंडर हो गई सीएससी, अखिलेश सरकार में बनाई गई थी बिल्डिंग, योगी सरकार में टूट कर गिरने लगी, आज तक नहीं आया कोई डॉक्टर। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।